नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल पढ़ी लिया होगा, आज हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं दो Xiaomi के फ़ोन्स का। एक है हम लोगों के पास Xiaomi Mi A2 जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हम लोगों के पास Xiaomi का Redmi Y2। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। मेनली यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे कैमरा को, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग पूरा फ़ोन का एक बार कंपैरिजन ओवरव्यू बताएंगे कि कैसा क्या है किसमें, लेकिन यहाँ पर हम लोग सैम्पल इमेजेस से कैमरे का स्पेशली कंपैरिजन करेंगे। तो गाइज, मेरा नाम है अमन चचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम लोगों के पास दोनों के बॉक्सेज हैं और उसके ऊपर हम लोगों के फ़ोन। ये इस तरफ है हम लोग का पास Xiaomi का Mi A2 जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मंगाया है, और दोनों की ये आपको अनबॉक्सिंग लिंक में मिल जाएगी। अगर आप लोग उसकी अनबॉक्सिंग या फिर कुछ फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इस तरफ है हम लोग के पास Redmi Y2। तो यहाँ पर हम लोग पहले बॉक्सेस को थोड़ा सा कर देते हैं साइड में, ताकि हम लोग को फ़ोन को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे और बीच में बॉक्सेस ना आए। तो यहाँ पर हम लोगों रख दिया साइज में। अभी यहाँ पर बात करते हैं हम लोग फोन के दोनों साइज की। तो लगभग फोन पूरे इक्वल हैं। दोनों की स्क्रीन साइज इक्वल हम लोगों को दी गई यहाँ पर 5.99 इंच की। Y2 में हम लोग को मिलती है HD प्लस की स्क्रीन, और Xiaomi Mi A2 में मिलती है हम लोग की फुल HD प्लस की स्क्रीन। तो ये यहाँ पर स्क्रीन साइज में डिफरेंस है, बाकी स्क्रीन साइज सेम है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन यहाँ पर डिफरेंट मिलता है आपको। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा हम लोग को मिलता है Redmi Y2 में मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर Xiaomi Mi A2 में 20 मेगापिक्सल का हम लोग को फ्रंट कैमरा मिलता है। यहाँ पर बात करें हम लोग बैक कैमरा की, तो Xiaomi Mi A2 में हम लोग को बैक कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का डुअल टोन LED फ्लैश के साथ, और यहाँ पर हम लोग को Redmi Y2 में मिलता है 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल सिंगल टोन LED फ्लैश के साथ। फ्रंट में दोनों तरफ आपको दोनों फोन्स में आपको LED फ्लैश यहाँ पर मिलता है। ये हम लोग का Android 1 पे बेस्ड है, Oreo 8.1 पे बेस्ड है MI A2, और ये Android 1 की तरफ से फ़ोन है, और यहाँ पर ये हम लोग का बेस्ड है Android 8.1 Oreo पे, लेकिन यहाँ पर आप लोग को MI UI का कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। यहाँ पर बात करें हम लोग स्नैप प्रोसेसर की, तो यहाँ पर हम लोग को Xiaomi Mi A2 में मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर, और इस यहाँ पर Redmi Y2 में मिलता है हम लोग को 625 का प्रोसेसर। बाकी GPU इसमें Adreno 512 का लगाया गया, और इसमें हम लोग को मिलता है Adreno 506 का GPU। ये हम लोग का सिर्फ एक वेरिएंट में आता है Xiaomi Mi A2 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये हम लोग का दो वेरिएंट में आता है 3GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 4GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो ये हम लोग को 17,000 रुपये का मिलता है Xiaomi Mi A2, और ये हम लोग का 9,000 और 13,000 का मिलता है। यहाँ पर बात करें बैटरी की, तो Xiaomi Mi A2 में मिलती है आपको 3010 mAh की बैटरी, और यहाँ पर Redmi Y2 में मिलती है 3080 mAh की बैटरी। तो ये रही नॉर्मल सी स्पेक्स फ़ोन के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में। दोनों में ही हमको लोगों को बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ये फ़ोन आपका ज़्यादा पतला है, और आपका ये Redmi Y2 थोड़ा सा इससे मोटा लगता है यहाँ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम दिया गया है हम लोगों का Xiaomi Mi A2, Redmi Y2 वैसा दिया गया। बाकी बात करें यहाँ पर हम लोग नीचे इससे, तो नीचे से लगभग सेम लगते हैं। इसमें हम लोग का Redmi Y2 में मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, और Xiaomi Mi A2 में मिलता है हम लोगों को टाइप सी चार्जिंग, और ऊपर की तरफ Redmi Y2 में 3.5mm जैक मिलता है। यहाँ पर आपको 3.5mm जैक इंक्लूड नहीं किया गया है। साइड में आपको यहाँ पर बटन्स मिलते हैं दोनों में ही सेम पैटर्न के, और दूसरी तरफ हम लोगों को इजेक्टर ट्रे मिलती है सेम पैटर्न की। तो ये रही हम लोगों की नॉर्मल सी स्पेक्स। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने कैमरे पे, तो चलिए कैमरे को हम लोग करते हैं यहाँ पर ओपन, और आते हैं हम लोग पहले फ्रंट कैमरे पे स्विच। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया फ्रंट कैमरे पे स्विच, और लेते हैं एक सैंपल शॉट। और दोनों में यहाँ पर लाइट का एंगल का डिफरेंस है, इसलिए फोटोज थोड़ी चेंज आ रही है। तो हम लोग एक एक करके फोटो लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर Xiaomi Mi A2 से, और अभी लेते हैं हम लोग Redmi Y2 से। तो ये रही दोनों की यहाँ पर फोटोज। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों की फोटोज़ यहाँ पर। Xiaomi Mi A2 में यहाँ पर आपको कलर्स प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर मिलता है। यहाँ पर आप फोटो को जूम करेंगे तो फोटो फट जाएगी, लेकिन Xiaomi Mi A2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो फट नहीं रही है। तो ये यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इसका 20 और इसका 16 का। लेकिन हालांकि 16 और 20 में इतना कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही बेहतरीन फोटोज़ लेने में सक्षम है। मतलब फ्रंट कैमरा दोनों का लगभग इक्वल दिया गया है। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बैक कैमरे की। बैक कैमरा चेक
करते हैं हम लोग बैक, क्योंकि बैक इसका बहुत ज़्यादा और इसका काफ़ी कम है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक नॉर्मल सी ऐसी फ़ोटो। तो ये दोनों हम लोग सेम एंगल से लेते हैं, तो पहले हम लोग लेते हैं यहाँ से फ़ोटो 1 2 3, और अभी लेते हैं हम लोग सेम फ़ोटो इधर से 1 2 3। तो ये रही हम लोगों की दोनों फ़ोटोज़, और दोनों को फ़ोटो हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Xiaomi Mi A2 में आपको कलर्स ज़्यादा बेहतर मिल रहे हैं, और इसमें Redmi Y2 में आपको कलर्स इतने ज़्यादा बेहतर नहीं मिलते हैं। तो ये यहाँ पर फ़र्क आप देखने को देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कलर ज़्यादा बढ़िया मिलता है देखने को, और यहाँ पर कलर थोड़ा कम मिलता है। मैं यहाँ पर एक और सैम्पल शॉट लेता हूँ इसका, इस क्यूब का, दोनों फ़ोन से, फिर देखते हैं हम लोग कलर यहाँ पर किसका प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से पहले हम लोग लेते हैं Mi A2 से फ़ोटो। तो ये रही हम लोग की फ़ोटो नॉर्मल, और एक हम लोग लेते हैं यहाँ पर सेम फ़ोटो पोर्ट्रेट मोड में। तो ये हम लोग ले ली पोर्ट्रेट मोड में। अभी हम लोग लेते हैं Redmi Y2 से एक बार फ़ोटो, एक बार नॉर्मल और एक बार पोर्ट्रेट मोड में। तो ये हम लोग की रही नॉर्मल सी फ़ोटो, और अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में एक फ़ोटो। तो ये रही हम लोगों की दोनों की फ़ोटोज़। अभी हम लोग पहले यहाँ पर ओपन करते हैं पोर्ट्रेट मोड वाली फ़ोटोज़ दोनों की, और देखते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड किसका ज़्यादा बेहतर है। अभी यहाँ पर हम लोग जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा ब्लर आपको बैकग्राउंड Xiaomi Mi A2 में मिलता है एज़ कम्पेयर टू Redmi Y2, क्योंकि यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है ब्लर करने के लिए, और यहाँ पर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ ब्लर करने के लिए, डेप्थ सेंस करने के लिए। और यहाँ पर आपको एजेस भी Mi A2 में ज़्यादा शार्प मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू Redmi Y2। तो ये यहाँ पर फ़र्क आपको देखने को मिलता है। अभी बात करें हम लोग नॉर्मल फ़ोटो की, तो ये हम लोग की 20 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो इस तरफ में, और यहाँ हम लोग की 12 मेगापिक्सल वाली फोटो। तो यहाँ पर नॉर्मल एक मींस नॉर्मल मोड ली तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 20 मेगापिक्सल होने की वजह से यहाँ पर भी इसने बैकग्राउंड को ब्लर किया और फोटो को शार्प लिया है। और यहाँ से मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे सामने से देखने में कलर्स इसके ज़्यादा बेटर लग रहे हैं Mi A2 के एज़ कम्पेयर टू Y2। तो Y2 का कैमरा ये नहीं कह सकते कि आप ख़राब है, लेकिन Mi A2 के कंपेरिजन में थोड़ा सा पीछे रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये 10,000 का फ़ोन आता है और ये बेस वेरियंट आता है यहाँ पर 17,000 का, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो ये आपने फोटोज देखी यहाँ पर नॉर्मली। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ सैंपल शॉट से कि दोनों की फोटोज कैसी आती हैं। तो गाइस यहाँ पर पहले बात करते हैं हम लोग बैक कैमरे से। आप देख सकते हैं बैक कैमरे में दोनों में ही फोटोज़ लगभग सेम है, लेकिन आपको A2 में डिटेल ज़्यादा देखने में मिलती है एज़ कम्पेयर टू Y2, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तो कैमरा ज़्यादा बेटर मिलता है, और ऊपर से यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन, मतलब A2 जो एकदम कलर कैप्चर करता है वो Y2 के कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन कलर कैप्चर करता है। यहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट भी फोटो को इन्हेंस कर देता है, और काफ़ी बढ़िया ब्यूटीफिकेशन मोड डाला गया है इसमें A2 में एज़ कम्पेयर टू Y2। हालांकि Y2 में भी ब्यूटीफिकेशन मोड है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। बात करें यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिटेक्ट करने की, तो वो A2 में कैपेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Y2। लेकिन अगर सिंपल नॉर्मल फ़ोटो की बात करें तो नॉर्मल फ़ोटो मुझे दोनों फ़ोन्स की लगभग सेम लगती है। यहाँ पर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं एकदम कि यहाँ पर A2 से जो फ़ोटो ली गई है वहाँ पर आपको एक तो ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उसका जो दूसरा कैमरा है वो हम लोग का यहाँ पर मेन लाइट सेंसर है, तो वो वहाँ पर ब्राइटनेस को, मतलब फ़ोटो में ब्राइटनेस या फिर वीडियो में ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज़ आपको कलर्स ज़्यादा बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू Y2। यहाँ पर आप देख सकते हैं Y2 में आपको उतने अच्छे कलर्स नहीं मिल रहे हैं जितने A2 में मिल रहे हैं। A2 में आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन Y2 में यहाँ पर आपको नेचुरल कलर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर कलर जो है डिम हो जाते हैं, ये तो अभी डे कंडीशन में। अगर नाइट कंडीशन में यही फ़ोटो ली जाए तो नाइट कंडीशन में तो एकदम, मतलब Y2 की फ़ोटोज़ काफ़ी कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू A2। लेकिन A2 ने ये मतलब जो ब्राइटनेस वाला सीन है वो चीज़ इन्हेंस करके काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अगर फ्रंट कैमरे की, तो आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में A2 ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत ही अच्छा है Y2 कंपेरिजन। Y2 में आपको फोटोज़ इतनी शार्प नहीं देखने को मिलती हैं, देख सकते हैं आप A2 में ब्लर बैकग्राउंड भी ज़्यादा हुआ है Y2 के कंपेरिजन में। लेकिन नॉर्मल फ़ोटो की बात करें तो Y2 में आपको थोड़ी सी ब्लरी सी इमेजेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपने दोनों फ़ोन की फ़ोटोज़ को देखकर समझ ही गए होंगे कि किसने किस
कौन सा फ़ोन कैसी फ़ोटोज़ लेने में सक्षम है और कैसी फ़ोटोज़ नहीं, दोनों का कंपेरिजन आपको बता दिया। और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं। अगर आप एक 17,000 रुपये तक फ़ोन खर्च करना चाहते हैं, मतलब पैसे खर्च करना चाहते हैं, और एक बेहतरीन कैमरे वाला फ़ोन चाहते हैं, कैमरा और एक स्लिम फ़ोन, तो फिर आप Mi A2 के लिए जा सकते हैं। लेकिन Mi A2 में एक प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक और एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़े कम पैसे खर्च करना चाहते हैं, सिर्फ 10,000 और बढ़िया कैमरा चाहते हैं, तो फिर आप Redmi Y2 की तरफ जा सकते हैं। अगर Xiaomi के फोन्स की तरफ जाना चाहते हैं आप, तो क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन कम मिलता है, आपको स्क्रीन है वो 720 प्लस की मिलती है, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी बेकार है। बाकी कैमरा और ये सारी चीज़ों में बढ़िया कैमरे दिए गए दोनों ही फोन्स में। तो गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कमेंट, या आप कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, या आप कुछ अलग मुझे बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आपका मिस ना हो सके। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।